हेलो एवरीवन, रिजल्ट आ चुके हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, वन ऑफ द माय फेवरेट कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। तो हम इसके रिजल्ट का एक क्विक एनालिसिस करेंगे कंसोलिडेट रिजल्ट बेसिस। कंसोलिडेट रिजल्ट मींस कंपनी BEL और उसके सब्सिडरी कंपनी दोनों का मिला के जो रिजल्ट बनेगा हमारा, वो कंसोलिडेट बेसिस पे आएगा। रिजल्ट बहुत अच्छा आए हैं, एक जगह भी नेगेटिव मुझे नहीं दिखा है। एक क्विक रिविजन, टोटल इनकम आप देखिए, टोटल इनकम ईयरली भी देखेंगे, सभी फिगर्स हमारे लैक्स में चलेंगे। 13 लैक्स 2020 का था, 2021 में 14 लैक 23,365 इंक्रीज हुआ। क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो क्वार्टर वन क्वार्टर देखेंगे तो 5,84,000 टू 6,97,000 हुआ, और लास्ट टाइम मार्च 2020 का भी 2,34,000 से 6,97,000 हुआ। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस, फाइनेंस रिजल्ट, फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 362,637 डबल हो गया है। कंपनी ने बोरिंग करी होगी या फिर उन्होंने रीपेमेंट किया होगा वो है। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, मतलब हमारा मार्जिन कितना गया, मार्जिन भी बहुत अच्छा है, 2,47,000 टू 2,97,000 ईयरली बेसिस पे, 1,42,000 से 1,93,000 जो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और लास्ट ईयर क्वार्टर के कंपैरिजन में हमारा 36,7,000 से 1,93,000। ये कोविड के कारण थोड़ा वो कम ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर मार्च के लास्ट क्वार्टर में थोड़ा रेवेन्यू भी कम था, आपका प्रॉफिट भी कम है और सब कुछ थोड़ा रिड्यूस ही है। अब नेट प्रॉफिट में आप देखोगे तो 1,82,000 मार्च 20 में था और अभी 2,09,000 आपका भी आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 1,36,000 हो गया 1,04,000 की जगह। तो कंपनी के सभी पैरामीटर्स चेक करेंगे, प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड ईबिटा सभी पॉजिटिव है। कल ये स्टॉक आपका एक अच्छा अप मूवमेंट बता सकता है। EPS भी 7.49 से 8.62 कंसोलिडेट बेसिस पे इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद आपका बैलेंस शीट आइटम भी अगर हम देखें, कंसोलिडेट बैलेंस शीट आइटम में देखेंगे तो इनका एसेट्स 2,56,000 टू 2,48,000 थोड़ा रिड्यूस हुआ है, हो सकता है डेप्रिसिएशन के कारण हुआ हो। और करंट एसेट्स इसका 13,000 टू 28,000 है। फाइनेंशियल असेट्स इसका 1,51,000 टू, असेट्स इसका आप ओवरऑल देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है 5,77,000 और लास्ट ईयर था 5,61,000। और लाइबिलिटीज प्रोविजन थोड़ा इसका डाउटफुल है क्योंकि प्रोविजन ज़्यादा किया है, 1,41,000 टू 1,36,000 हुआ है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का 4,26,000, देखिए यहाँ पर लाइबिलिटी मतलब इन्होंने बढ़ाया है, लोन्स लिया है इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़ी। उसके बाद आपका कंपनी का ये पैरामीटर्स है इसका, यहाँ पर देखिए 9.60 टर्नओवर इंक्रीज हुआ है, 15,14,000 इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। डिविडेंड इन्होंने ओवरऑल आपका 4 रुपीज पर शेयर तक दिया है 2021 में। तो ये एक ईपीएस आपका अगेंस्ट एप्रोक्स आपका हो गया है 5% के आसपास ईपीएस हो गया है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट आपका अभी डिसाइड नहीं किया गया, ये इसका एनुअल जनरल मीटिंग होगा और उसमें डिसाइड किया जाएगा। अभी तक एनुअल जनरल मीटिंग का भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कल के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा चलने वाला है, तो इसको ट्रैक करिए। थैंक यू।